नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज की, यानी ये एजेंसीज कौन कौन खोल सकता है, इसके लिए जरूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं और कहां कहां ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले देख सके। साथियों, आज के टाइम में सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। इस बिजनेस में करीबन 90 लाख लोग काम कर रहे हैं। ये बिजनेस और भी इसी तरह बढ़ने की चांसेस हैं। आपने देखा होगा कि आप आजकल जहां भी जाते हैं, मॉल में जाएं या किसी सोसाइटी में जाएं या किसी बैंक में जाएं जो प्राइवेट बैंक हैं, या कोई भी ऑफिस में जाएं तो आपको वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। शहरों में तो आजकल लोगों ने अपने घर के आगे भी सिक्योरिटी गार्ड रखने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं देश में, जैसे रेलवे है, आर्मी है या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी ये कहीं बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेगमेंट बन चुका है। बहुत बड़ी मैन पावर इसमें लगी हुई है और कोई डिमांड बढ़े न बढ़े पर सिक्योरिटी की डिमांड लगातार ऐसे ही बढ़ती रहनी है। इसे आसानी से शुरू भी किया जा सकता है, छोटे लेवल पर शुरू किया जा सकता है और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है। इसके लाइसेंस के लिए अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस लेते हैं तो फीस 5,000 रुपये है, अगर आप 5 डिस्ट्रिक्ट तक लेते हैं तो 10,000 रुपये है, और एंटायर स्टेट का लेते हैं तो 25,000 रुपये है। आज हम इसी की बात करेंगे कि इसका कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कौन कौन आदमी इसको शुरू कर सकता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कोई काम या बिजनेस देख रहे हो जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो, या जो रिटायर्ड सोल्जर हैं जो चाहते हैं कि उनका अपना कोई बिजनेस हो जिससे वो रिलेटेड भी हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि कोई चीज छूटे नहीं, आपको अच्छी इसकी जानकारी हो, और उसके बाद अगर आप शुरू करना चाहें तो प्लान कर सकते हैं, या किसी आदमी को जानते हो कि ये आदमी ये काम कर सकता है, कैपेबल है, उसको भी गाइड कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कौन चला सकता है। तो साथियों, ये कोई भी चला सकता है, भारत का नागरिक हो, कोर्ट से किसी भी केस के लिए कन्विक्ट न हो यानी किसी कोई सजायाफ्ता न हो, और फाइनेंशियल ट्रबल में न हो यानी किसी तरह का कदाचार या भ्रष्टाचार का उसके ऊपर कोई केस न हो या उसके कोई सजा नहीं हुई हो। इसके लिए रिटायर्ड लोग भी काम कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी काम कर सकते हैं। इसमें खासकर जो डिफेंस फोर्सेज के रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, पर बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, ये इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं कि क्या क्या इसके लिए जरूरत होती है, यानी क्या क्या चीज चाहिए होती है। सबसे पहले तो आपको जो लीगल रजिस्ट्रेशन उसका करवाना पड़ेगा, ये कई फॉर्म में हो सकता है। आप वन पर्सन कंपनी भी कर सकते हैं जिसको ओपीसी बोलते हैं, या LLP होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, या एक लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें आप एक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो उसमें लोगों का मानना है कि या तो आप वन पर्सन कंपनी करवाएं, उसमें भी आपको हेल्प रहती है, फायदा होता है, और एक अगर लिमिटेड कंपनी आप बना रहे हैं तो बाद में फ्यूचर में आपके पास इन्वेस्टमेंट में उसमें आ सकता है, और आप जैसे वन पर्सन कंपनी करा करके भी बाद में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आता है कि आपके पास GST नंबर होना चाहिए, यानी आप GST नंबर लेना है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है GST नंबर की, ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं, स्टेट के साथ जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपको GST नंबर अलॉट कर देती है। कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, इसके लिए आप किसी CA से बात करेंगे वो भी आपकी हेल्प इसमें कर देते हैं। फिर आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, इसके लिए शॉप का आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, या अपनी ओनरशिप की शॉप भी हो सकती है। आप अपना एक लोगो भी रजिस्टर करवा लें, लोगो यानी ट्रेडमार्क, जिससे आपकी सिक्योरिटी एजेंसी को पहचान हो। जैसे हम देखते हैं बाहर की ये किस सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा है, तो उसका जो लोगो और जो कंधे पर लगा होता है उसके ट्रेडमार्क, वो एक होना चाहिए जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके साथ ही एक ISO सर्टिफिकेट बनता है, वो भी लेना होता है, और एक MSME सर्टिफिकेट होता है, MSME यानी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसमें उतना कोई जरूरी तो नहीं है, पर लेने से आपको क्या है कि अगर ट्रेड रियायतें हैं, बाद में कुछ रियायतें मिलती हैं या प्रमोशंस मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती हैं, तो वो इससे फायदा होता है, या इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है कि आपने वो करा रखा है या नहीं करा रखा है, तो उस पीरियड का आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, एक पसारा बोलते हैं इसको, एक नया एक्ट है, रेगुलेशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशंस एक्ट 2005 का है, उसके हिसाब से होता है। तो ये आजकल ऑनलाइन हो रहा है, पहले ये सारा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आजकल ये पसारा आने के बाद आप पसारा की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी चीजें गाइडलाइन मिल जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये सारी जो क्लियरेंस हैं, रजिस्ट्रेशन हैं, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी जैसे कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको इधर उधर जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये सारा का सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं, इस पसारा की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट ये इंग्लिश में है फिलहाल, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई लैंग्वेज हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी,
पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज ठीक लगती है या जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं और सारी की सारी वेबसाइट उसी लैंग्वेज में टर्न हो जाती है। इसमें सारी एडवाइजरी, सारी चीज़ें वो आप अपनी लैंग्वेज में सहूलियत से पढ़ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें फीड होती हैं वो आप देख सकते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें जो जरूरत की चीज़ें हैं वो अरेंज कर सकते हैं और आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टीथिंग प्रॉब्लम तो होती है, शुरू में दिक्कत होती है कुछ चीज़ें प्राप्त करने में, जानकारी लेने में। तो पहले उसका ठीक से रिसर्च कर लें अच्छी तरह से, फिर वो चीज़ें प्राप्त कर लें। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि हम इसके लिए सारा कुछ कर लिया तो डिमांड कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए भी तरीके हैं। आज के ज़माने में दो तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, एक ऑफलाइन तरीका है जो पहले से चला आ रहा है और एक आजकल का नया तरीका ऑनलाइन तरीका है। ऑफलाइन तरीके में आप पर्सन टू पर्सन समझते सकते हैं, यानी आपने किसी बिजनेस ओनर से जाकर मीटिंग कर ली, किसी शॉपिंग मॉल में जाकर के, या जो जैसे भी मार्केट प्लेस हैं जहां पर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, या जहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कुछ और है, इस तरह के जो जितने भी आसपास बहुत दुनिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं आजकल और उनकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वहां आप जाकर बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो आप बात करके उनसे बिजनेस ले सकते हैं। शुरू में आप बहुत कम प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर सकते हैं। एक बार आपका काम शुरू हो गया तो आपकी रेपुटेशन बनेगी अच्छे काम की, और फिर आपको रेफरल मिलते रहेंगे, लोग बताएंगे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे यहाँ कर रहा है, बहुत अच्छी सर्विस है, गार्ड बहुत अच्छे हैं। तो आपको पर्सन टू पर्सन रेफरल का भी फायदा मिलेगा, और एक बार काम टेक ऑफ होने से फिर होता रहता है कि कहीं बात करेंगे तो आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पता कर सकते हो, वहाँ हमारी ड्यूटी कैसी है, हमारी गार्ड कैसी है, हमारी सर्विसेज कैसी हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन अपने आप बात फैलती है और रेफरल मिलता है, बिजनेस मिलता है। इसी तरह जो फ्रेंचाइज होती है आजकल, यानी किसी बंदे से बात कर सकते हैं, जैसे एजेंट्स होते हैं कमीशन बेस पे काम करते हैं, वो 10% या कोई बात कर सकते हैं, आप किसी चीज पे राय हो सकते हैं, वो लेंगे और आपको काम दिलाएंगे। इसी तरह जो आजकल एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, तो वो भी बोथ वे करते हैं, यानी प्लेसमेंट आपकी एजेंसी के लिए गार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो, और आपका बिजनेस भी कंपनियों में दिला सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर हो गया, वो भी कर सकते हैं, लीफलेट हो गया, या जैसे बैनर्स वगैरह कहीं लगाए हैं, या आप जगह जगह देखते हैं पोस्टर्स लगे होते हैं न्यूज़पेपर्स में जो जाते हैं, छोटे छोटे कागज आते हैं, वो दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल का जो नया सिस्टम है ऑनलाइन का चला है, घर बैठे ही सारा काम हो जाता है। सोशल मीडिया में जैसे लाइक फेसबुक पे ऐड जाती हैं, गूगल पे ऐड जाती हैं, यूट्यूब पे जाती हैं, उसमें आप कर सकते हैं, या किसी कंपनी के थ्रू भी आप ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो वो अलग, जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो आजकल नेट पे एड्स आती हैं, तो वो उन्हीं चीजों की एड होती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपनी प्राइसिंग भी का भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। गूगल रिव्यू होते हैं हर कंपनी के, उनपे भी आप काम कर सकते हैं कि कैसे हो, कई कंपनी आपकी हेल्प करते हैं गूगल रिव्यू में इंप्रूव करने में, और आजकल लोग सर्च करते हैं गूगल रिव्यू के थ्रू कि आपके कैसे रिव्यू हैं, उसी के बेस पे आपको काम देते हैं या आपके बारे में कोई एक दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। इसके अलावा आप अपना ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं कि बिजनेस में क्या क्या नई चीजें हो रही हैं या क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो भी आपको काफी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा एक जो रिटायर्ड सोल्जर है उनके लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है, उसकी वेबसाइट से भी हेल्प मिलती है सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में। हालांकि ये फिलहाल सिर्फ ऑफिसर्स को देते हैं, ये बिजनेस देते हैं, फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफिसर्स बनाते हैं उन्हीं को बिजनेस देते हैं फिलहाल, पर हो सकता है धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ये एक तरह से भेदभाव वाला काम है, सभी लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, पर फिलहाल सिर्फ ऑफिसर्स को देते हैं। होप करी जा सकती है या सोचा जा सकता है या आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में जवानों की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी हेल्प करेंगे, पर उनकी वेबसाइट पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज की हेल्प कर सकती हैं, गाइडलाइंस हैं वहाँ पे, तो वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। वहाँ आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ कोई भी सर्च कर सकता है, रिटायर्ड सोल्जर्स की जरूरत नहीं है, जो भी कोई एक आम आदमी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल रहा है तो उसको भी काफी उसमें गाइडलाइन मिल जाती है। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं DGRIndia.com की वेबसाइट पे। इसमें अगर आप स्कीम्स में क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाता है सिक्योरिटी एजेंसी, कॉल ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, रिटेल आउटलेट, डीलरशिप, मदर डायरी, टेक्निकल सर्विसेज। इसमें सिक्योरिटी एजेंसी पे क्लिक करते ही ये चीज खुलती है, आप देख सकते हैं गाइडलाइन एंड इम्पोर्टेंट एडवाइजरीज। इसको आप क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सी गाइडलाइन वगैरह खुल जाती है, सिक्योरिटी एजेंसी गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एजेंसी ड्राफ्ट एफिडेविट, ये इसमें अगर आपकी काम की चीज है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि गार्ड्स लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट किस तरह का देना है, कॉन्टैक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेटेड,
एडवोकेट, तो इनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। हालांकि ये आपको बिजनेस दिनारे में तो हेल्प नहीं करेंगे, पर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बहुत आपको काम आ सकते हैं अगर आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज खोलते हैं, जिसमें आप जाकर के हेल्प ले सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से देखा आपने, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो आप एक जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, एक एम्प्लॉय नहीं, एक एम्प्लॉयर बन सकते हैं। आप अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बिजनेस और नौकरी का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप बहुत से लोगों को जॉब दे सकते हैं, बहुत से लोग आपके पास नौकरी कर सकते हैं, बजाय कि आप किसी नौकरी के पीछे पीछे घूमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।